डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होता है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उस वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे नेम नाम से, जिसका जो टाइप होगा वह स्ट्रिंग होगा, और इसमें हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हाय हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखेंगे यह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब इसके मैं चाहता हूँ कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो मैं आपको दिखाऊँ कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट पॉसिबल हैं और क्या क्या हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें। तो हम सबसे पहले इसको रन करेंगे और रन करके आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको रन, जो ये प्रोग्रामिंग है वो मैं रन करूँगा। तो मुझे यहाँ प्रिंट हो गया हाय हाउ आर यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके और भी एट्रीब्यूट हो, जैसे इसका लेंथ क्या है, इसका साइज़ कितना है, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, या इसको लोअर केस और इसमें एम्प्टी है कि नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एम्प्टी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी नेम वेरिएबल में जो चीज़ें हैं वो क्या एम्प्टी है कि नहीं। यहाँ देखिए फाल्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जो नेम वेरिएबल है उसमें हम चीज़ें लिखे हुए हैं, जैसे हाई हाउ आर यू। अभी यहाँ पे अब लिखूंगा तो मुझे ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल में कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो यह होगा एम्प्टी चेक करने का। कोई भी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है कि नहीं है वो हम इस एट्रीब्यूट से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लेंथ है उसको चेक कर सकते हैं, और इसका लोअर केस, उसका अपर केस, या फिर इसके शुरुआत में कौन सा है। अच्छा, अभी लेंथ में देखिए दिखा रहा है कितने कैरेक्टर यूज किया गया, तो 14 कैरेक्टर यूज किया गया है। यह स्पेस को भी काउंट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट हैं, आप देख सकते हैं एम्प्टी के बाद से। यहाँ पे कोड यूनिट है, कोड नॉन एम्प्टी रन्स, बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर्स, और यहाँ पर लोअर केस भी कर सकते हैं, अपर केस भी कर सकते हैं। जो भी हम स्ट्रिंग लिखे हुए हैं अगर उसको लोअर केस करना चाहते हैं तो पूरा लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस करना चाहते हैं तो पूरा के पूरा अपर केस कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए मैं ऊपर अपर केस किया तो हमारा पूरा स्ट्रिंग ही क्या हो जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। तो इस तरह हम सारे एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के।